धन्यवादेशु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु नासरी आपका धन्यवाद हो। खुदावन यीशु, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस। महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो, सम्मान हो, अल्फा ओमेगा। धन्यवाद देते मुक्ति के दाता, शांति के राजकुमार, स्वर्ग के और पृथ्वी के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान भी करते हैं, क्योंकि आप इसके योग हैं। हाँ प्रभु, आप अति स्तुति के योग हैं, महिमा प्रशंसा तारीफ बढ़ाई आदर और सम्मान के योग हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद खुदा, आप आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी हमें दिए हैं। हाँ, आप पे आज के सुबह के साथ आज की शाम भी हमें दिए हैं। धन्यवाद खुदा आपके दिए हुए आशीषों के लिए। हे प्रभु, आज के दिन जो उपकार, जो कार्य, जो चमत्कार आप हमारे जीवन में किए हैं, हमारे ऊपर किए हैं, हमारे साथ रहकर किए हैं प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी पहरा हमारे ऊपर रहता है। आपकी महिमा हो प्रभु कि आप हमें अपने पनाह में रखते हैं। आपकी तारीफ बढ़ाई हो स्वर्गीय पिता की, एक एक बच्चों को, नौजवानों को अपने छत्रछाया में पालते हैं और पढ़ाते हैं। धन्यवाद यीशु, सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए। धन्यवाद करते मेरे प्रियो, घबराना नहीं है और चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके निकट है, हालेलुया। और जब भी आप सच्चाई से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। बात आता है चिंता की, तो जब आप अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलेंगे तो प्रभु क्या करेगा, आपकी उस चिंता को अपने ऊपर ले लेगा और आपको शांति की आशीष देगा और उससे आपको सुख पहुंचेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, देखेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के उसका 1-7 तक के वचन को। इसमें एक स्त्री के विषय में लिखा है। क्या होता है, एक स्त्री थी, उसके बच्चे और उसके पति प्रभु के भय मानने वाले होते हैं और प्रभु के सेवकों के पास प्रभु के वचन के लिए जाया करते हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए जाया करते हैं। क्या होता है कि एक दिन उस स्त्री का पति मर जाता है, वो स्त्री विधवा हो जाती है। फिर क्या होता है मेरे प्रियो, लिखा है कि उसका पति कर्जदार था, तो जिसका वो कर्जदार था वो उसके विधवा के पास आता है और देखता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, तो उसके विधवा से बोलता है कि देख, तेरे पास तो कुछ है नहीं जिसे तू मेरे कर्ज को चुका सके, भर सके, इसलिए तू अपने दोनों बच्चों को मुझे दे दे, ताकि मैं तेरे बच्चों से काम करवाऊंगा और जब पैसा वसूल हो जाएगा तो मैं तुझे तेरे बच्चों को दे दूंगा। इस पर मेरे प्रियो, लिखा है कि वह विधवा बहुत ही घबरा जाती है, चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे होते हैं। तो फिर वो क्या करती है, अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलती है और क्या करती है, वो एलिशा के पास आती है और एलिशा से कहती है कि देख, तेरा दास और मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था,
पर जिसका वह कर्जदार था वह व्यक्ति मेरे दोनों बच्चों को लेने के लिए आया है। इस पर एलिशा कहता है, उससे पूछता है, तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। वो विधवा बोलती है कि मेरे पास सिर्फ, वो कहती है कि मेरे पास मेरे घर में सिर्फ एक घड़ा तेल है। वो कहता है कि उस तेल को ला। वो क्या करती है, लाती है और एलिशा उसको प्रार्थना करता है और कहता है कि अपने पड़ोसी के घर जा और बर्तन ला और इस तेल को पलटना, पलटते जाना जब तक कि बर्तन कम ना पड़ जाए। वो ऐसा ही करती अपने घर में जाती है, अपने पड़ोसी के घर जाती है, बर्तन लाती है, बहुत सारे बर्तन को इकट्ठा करती है और उस घड़े के तेल को पलटती जाती है जब तक कि बर्तन कम नहीं पड़ जाता है। फिर लिखा है मेरे प्रियो, वो अपने बच्चों से कहती है कि जाओ और भी बर्तन लाओ। उसके बच्चे कहते हैं कि अब बर्तन नहीं है। फिर लिखा है कि उतना ही पर उस घड़े का तेल रुक जाता है। फिर लिखा है कि वह फिर एलिशा के पास आती हैं और कहती हैं कि आपके कहे अनुसार मैंने किया। तो एलिशा कहता है कि जाओ उस तेल को बाजार में बेच दो और जितना भी ऋण है, जितना भी तुम्हारा कर्ज है, महाजन है, उसको चुका दो और खाओ पियो, आनंद करो। हालेलुया। ओ एलिशा के कहे अनुसार करती हैं, उस तेल को बाजार में बेचती हैं और अपने कर्ज महाजन उनको भर देती है, चुका देती है और आनंद से रहने लगती हैं। मेरे प्रियो, चिंता की बात आता है, ऐसी परिस्थिति हालात उत्पन्न होता है कि आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस वक्त प्रभु को याद कीजिए, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलिए, उपाय करने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जैसे ओ यानी कि प्रभु इस विधवा का मदद किया, पैसा के उपाय किया कि वो अपने कर्ज को भरे और आनंद करे, वैसे ही प्रभु आपका भी मदद करेगा, आपके लिए भी उपाय करेगा कि आप पे हर एक बंधन से स्वतंत्र होकर, बंधगृह से आजाद होकर, चिंता, टेंशन, परेशानी, विपत्तियों से, दुखों से, दर्द, पीड़ा से, रूप बीमारी से, शैतान के हर एक जाल से आजाद होकर आनंद से रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या लिखा है, आज कल और युगना युग हमारा प्रभु एक सा है। हालेलुया, आज भी प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर अटल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सकता है आप कर्ज में डूबे हैं, हो सकता है आप ऐसी जगह हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है, पर अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर, अगर आपके जीवन में प्रभु का प्रथम स्थान है, आप अपने कर्ज से बहुत जल्द स्वतंत्र होंगे। आपकी परिस्थिति हालात चेंज होगा, आप जहाँ हैं वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ से आजाद होंगे और ऊंचे पर जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कर, मदद कर मान, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ये सुना श्री आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते मेरे प्रियो। हर समस्या का हल निकालने वाला प्रभु है, हर समस्या का निवारण करने वाला, समाधान करने वाला प्रभु है। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के साथ अपने संबंध को गढ़वा बनाइए, तगड़ा बनाइए। हालेलुया, फिर वो आपके हर समस्या का हल निकालेगा। हालेलुया, हर एक चिंता को दूर करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सहायता कर, हे प्रभु अनुग्रह कर, हे यहोवा अनुग्रह कर, सहायता कर, खुदा धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। सहायता कर दीजिए, मदद कर दीजिए प्रभु, धन्यवाद यीशु, सहायता कर प्रभु, अनुग्रह कीजिए, पूरे दिन संभालें, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद लीजिए प्रभु जी,
डरावना बुरा गंदा सपना से छुटकारा दीजिए, शैतान के हर एक चाल से स्वतंत्र कीजिए, शत्रुओं के बीच आया हुआ जाल से प्रभु जी आजाद कीजिए, प्रभु जी प्रभु अनुग्रह कीजिए, किसी भी गड्ढे में प्रभु, किसी के खोदे हुए गड्ढे में हमें गिरने मत दीजिए, कोई बेपत्ती हमारे ऊपर आने मत दीजिए, कोई दुख हमारे डेरे के निकट आने मत दीजिए, प्रभु आप संभालने वाला खुदा है, देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला आप ही, जिंदा पवित्र खुदा है, साचा है, धर्मी है प्रभु, धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिनका भरोसा, जिनकी आशा, जिनका विश्वास आपके ऊपर है, जिनका धैर्य आप पर है, हे प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु, दया कर महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, सहायता कर महान परमेश्वर, प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी तू उठ और प्रभु जी अनुग्रह कर उनके जीवन में, तू चमत्कार कर, अद्भुत अनुग्रह काम कर, आश्चर्य कर्मों को कर, खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा होने दे प्रभु, जितने कर्ज बांध और लोन से दबे हुए हैं, जो प्रभु जी बैंक से लोन लिए हैं, जो किसी से उधार लिए हैं, जो अपने जेवर को, अपने जगह जमीन को प्रभु जी, अपना जो कुछ भी किसी के पास गिरवी रखे हैं, हे प्रभु उनके ऊपर आप तरस खाइए और प्रभुता कीजिए स्वर्गीय पिता, ताकि प्रभु जी उनका कर्ज महाजन लोन बहुत आसानी से, बहुत जल्द भरा जाए, जो गिरवी रखा हुआ वस्तु है वो छूटे जाए प्रभु, जो किसी से उधार लिए हैं वो उधार प्रभु जी भरा जाए, सहायता कर प्रभु जी, जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती बाड़ी कारोबार में आशीष दे प्रभु, ताकि बहुत आसानी से प्रभु जी ये लोग अपने कर्ज महाजन उनको भर सके, प्रभु शैतान को प्रभु जी और दुष्ट क्रूर मनुष्यों को छूने मत दीजिए प्रभु, हाँ और सब आपके लोगों को न छुए, सहायता कर महान परमेश्वर, हे प्रभु अनुग्रह का इस प्रार्थना को जितने रिसीव कर रहे हैं वो जैसे भी हैं उन्हें कभी शर्मिंदा होना ना पड़े, लज्जित होना ना पड़े, सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, सहायता कीजिए, मदद कीजिए महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु, दया कर दे प्रभु, हे प्रभु जिनके सर में दर्द रहता है, हे प्रभु उनको तू छू ले, ताकि प्रभु उनके सर के दर्द खत्म हो जाए, जिनके पेट में दर्द रहता है, गर्दन में, कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, जिनके दांत में दर्द रहता है प्रभु छू ले और चंगाई दे, हे प्रभु अनुग्रह कर, जिनको शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट की बीमारी, कैंसर है, फेस एलर्जी, पिंपल है, जिनके बॉडी में सफेद दग धब्बे हैं प्रभु, किसी प्रकार के दग धब्बे, जिनके पैर में घट्टा है, गिल्टी है, रसोली है प्रभु, प्रभु चंगा कर दीजिए, जिनको हाथ या पाँव में चंगा कर दीजिए प्रभु जी, प्रभु जिनके आँखों में फूलियाँ हैं, मोतियाबिंद की बीमारी है प्रभु जी, जिनके आँखों से कम दिखाई देता है प्रभु जी, आँखों से पानी गिरता है प्रभु चंगाई दीजिए, जिनके गले में अटकन जैसा लगता है प्रभु जी, प्रभु जी जिनके कान में सनसनाहट है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जिनके दिमाग के कोई नष्ट दब गया है, जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है प्रभु, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है प्रभु चंगाई दीजिए, ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा दीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनका एक किडनी डैमेज है प्रभु चंगा कर दीजिए, स्वर्ग के पिता धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जो स्टडी करते हैं प्रभु जी प्लेस कीजिए, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु, उसमें आगे की पढ़ाइए, सफलता दीजिए प्रभु, प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आज के पूरे दिन आप संभाले हैं हे प्रभु जी, पूरे रात भी संभालिए और आगे भी ख्याल रखना, धन्यवाद यीशु, सहायता मदद और गार्ड कीजिए यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, जो दान दस पांच दिए हैं उनके लिए आकाश के झरोखे खोल दीजिए, स्वर्ग के झरोखे खोल दीजिए, और जीवन में जो कुछ की कमी घटी है पूरा कीजिए। होने दे प्रभु जी, जितना दिए हैं उसके 10 गुना 1000 गुना लाखों गुना उन्हें दीजिए, लौटाइए। धन्यवाद प्रभु जी, और चले जाइए, रुकावट सैलरी मिलने में सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कीजिए। हाँ प्रभु, जिनका सैलरी प्रभु रुका हुआ है, रुकावट सैलरी मिलने में सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, प्रभु जिनका पैसा कहीं किसी के पास फंसा हुआ है, डॉक्यूमेंट कोई कागज कोई भी काम रुका हुआ है प्रभु, फंसा हुआ है प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी, सब काम सफल होने के लिए प्रभु, फंसा हुआ पैसा मिलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सहायता कर केस मुकदमा से प्रभु, झगड़ा लड़ाई से, नशे की हर एक लत से, दुष्टता की हर एक काम से, पाप से, शरीर और संसार की अभिलाषा से, सबको स्वतंत्र कर दे। जितने इसमें है प्रभु, उन सबों को मुक्त कर दे, छुटकारा दे दे, आजाद कर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता और मदद कर दीजिए प्रभु, इस सुंदर शाम के वक्त ये भाई, ये बहन, ये बच्चा, ये नौजवान आपसे जो कुछ भी मांग रहे प्रभु जी दीजिए प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए महान परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु दया कर दीजिए महान परमेश्वर प्रभु जी, सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए, और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद यीशु, सहायता मदद घट कर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति, और रोगों की दुष्टात्मा से छुटकारा दे, जिनके ऊपर शैतान की छाया है, जिनके घर में शैतान की छाया है, अंधकार की शक्तियाँ हैं प्रभु, प्रभु जी श्राप है खत्म कर दीजिए। सब प्रभु जी खुश रहे, आनंदित रहे स्वर्गीय पिता, हर्षित रहे, मंगन करे स्वर्गीय पिता, सहायता कर महान परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वह सब सुखी से रहे प्रभु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, आशीषित और सहायता कीजिए, मदद कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते प्रभु, सारा धन महिमा और सम्मान आपको मिले, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगकर कहते हैं स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोजे डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। ऐसा करने से प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आप जागा वाला रहेंगे, घटती में नहीं बढ़ती में रहेंगे। प्रभु दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई करेगा, आपकी उन्नति के लिए आपका अगुवाई करेगा, आप आगे बढ़े इसके लिए आपका अगुवाई करेगा, सहित मदद गाइड करेगा। मेरे प्रियो, का सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी करना, जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना को शेयर कीजिए। अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, अपने अंदर चेंज को लाते हैं, उधार पाते हैं, उसका प्रतिफल आपको बहुत ऐसे मिलेगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना और प्रार्थना को शेयर भी करना। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या, परेशानी, तकलीफ है, तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपकी दिव्य प्रार्थना निवेदन प्रभु का हजूर में रहकर प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु सब कुछ करने वाला खुदा है, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ बनाएगा। हालेलुया, मेरे प्रिय विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपकी दिव्य प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय को दृष्टि करेगा और उसका उत्तर आपको हाँ आमीन में जरूर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करें, गुड ब्लेस हो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।